क्या परिवार से अलग रहती हैं शिजान खान की बहन शफकनाज? तोड़ रखे हैं क्या घर से सारे रिश्ते नाते? क्यों माँ पर ही लगा दिया था चोरी का इल्जाम? तनीषा शर्मा केस के बाद से ही पुलिस कस्टडी में एक्टर शिजान खान से पूछताछ चल रही है। शिजान का पूरा परिवार इस वक्त उनके साथ इस बुरे वक्त में खड़ा नजर आ रहा है। वो बहन भी जो कुछ साल पहले परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अलग रहने चली गई थी। हम बात कर रहे हैं शफकनाज की, जो एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं और कई चर्चित शो का हिस्सा रह चुकी हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने परिवार से ही सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए? चलिए बताते हैं विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शफकनाज किस किस सीरियल में नजर आ चुकी हैं। फेमस एक्ट्रेस हैं शफकनाज। भले ही नाम से ना पहचान पाए, लेकिन जैसे ही आप इन्हें देखेंगे तो इनके निभाए फेमस किरदार आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। शफक एक जानी मानी एक्ट्रेस है जो महाभारत में कुंती और चिड़ियाघर में मयूरी के रोल के लिए खास तौर से जानी जाती है। इसके अलावा वो गुम है किसी के प्यार में जैसे हिट टीवी शो का हिस्सा भी रह चुकी है। लेकिन शफकनाज की जिंदगी काफी उथल पुथल वाली रही है। साल 2018 से शफक परिवार से अलग रह रही हैं और इतने सालों में उन्होंने परिवार से कोई संबंध नहीं रखा। शफक ने मां पर लगाए थे गंभीर आरोप। कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही शफक ने कुछ साल पहले अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। खास तौर से उन्होंने अपनी मां पर उनसे पैसे छीनने का आरोप भी लगा दिया था, जिससे हर कोई दंग रह गया। जिसके बाद उन्होंने घर तक छोड़ने का मन बना लिया और ऐसा ही किया भी। वो साल 2018 में परिवार से अलग रहने लगी। वहीं उनकी फैमिली भी उनसे इतनी खफा हुई कि उन्होंने भी शफक से अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए। शफक का अपनी बहन फलक के साथ भी उतना अच्छा बॉन्ड नहीं है, हालांकि वो भाई शिजान के बेहद करीब है। यही वजह है कि मुश्किल के इस घड़ी में वो वापस अपने परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है और भाई शिजान को सपोर्ट कर रही है। आज शफक, फलक और उनकी मां ने तनीषा की मां वनीता और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए। आइए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। मैं हूं फलकनाज और तनीषा से मेरा बहन का रिश्ता था, भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हूँ, चाहे मैं हूँ या मेरी मदर हूँ। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज़ है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं। सबके सामने आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फ़ोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फ़ोटो है, शो की शूट का फ़ोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25-30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी,
जिस दिन फलक उनको उनकी माँ ने वनिता शर्मा जी आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है लेकिन हम अपनी डिग्निटी हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाथ उसको दरगाह पे लेकर गई, तो उस आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फ़ोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है? तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज़ बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके? किसी के सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इंतज़ार करेंगे? आप लोग सिर्फ फ़ोन पे कॉन्वर्जेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं तो मैं क्या करूँगी? मैं बैठी रहूँगी, बस मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी वो, मुझे फ़ोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतज़ार कर रही थी कि टुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के तीन बच्चे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है?